नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है पीएम ई विद्या चैनल्स और ये चैनल नंबर है 10। मैं हूं राहुल, आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं का हमारा हिंदी का सत्र, हम लेकर हाजिर हैं और आज हम इसमें यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज जो पाठ है वो पढ़ने जा रहे हैं। और आपको ये पढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर प्रमोद कुमार दुबे जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आप यदि इस सत्र के दौरान आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप प्रमोद सर से सीधे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800440559। ये आप टोल फ्री नंबर है, इसे डायल कीजिएगा और आप सीधे स्टूडियो में कनेक्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लखनवी अंदाज में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और यशपाल जी ने क्या लिखा है जो इतना मार्मिक है कि वो हमारी पुस्तक में है और हमारे जीवन में आज भी उतना ही कारगर है जितना वो उस वक्त होगा जिस वक्त वो लिखा गया था। तो सर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपसे गुजारिश करूँगा कि पढ़ाएँ। हाँ, तो ये यशपाल एक हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। इनका परिचय पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें विशेष जो बात है वो ये है कि क्रांतिकारियों के साथ जी, यानी भगत सिंह, सुखदेव, ये जो क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, यूँ समझिए कि क्रांतिकारियों के जी, जो गुरु थे जी, जो उनके मार्गदर्शक थे, उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के भी प्रेरणा स्रोत थे। ये सब लोग जब क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे जी, तो उस समय युवा यशपाल क्रांतिकारियों के साथ कार्य करते थे, उनका जुड़ाव था। साथ ही इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जैसा कि उनका जन्म 1903 में हुआ और उनकी मृत्यु 1976 में हुआ, तो ये जो दौर है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दौर है, इसलिए कि इसमें दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। उपनिवेशवादी का मतलब अंग्रेज के द्वारा कब्जा किए हुए देश जी। इसके अलावा भी फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी। इसी दौर में सोवियत रूस 1917 में स्थापित हुआ था, इसलिए दुनिया भर के आंदोलनों, क्रांतियों के बीच एक प्रगतिशील सोच, एक आधुनिक सोच का उद्भव हो चुका था। तो एक तरफ तो यशपाल क्रांतिकारी थे, दूसरी तरफ आधुनिक और प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे, इसलिए उनकी रचनाओं में आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, समाज विज्ञान अथवा राजनीति के प्रति एक नया ख्याल है, नई सोच है, जिसको हम कहते हैं कि ये आधुनिक सोच है। यशपाल अपने समाज की विकृतियों को देखते थे। वो एक दौर था जब आर्य समाज का आंदोलन हुआ था और समाज सुधार के बड़े कार्य हो रहे थे, तो यशपाल उन सभी प्रगतिशील, आधुनिक, नए दौर की नई सोच सबके प्रति आकर्षित थे। इसलिए जब हम ये लखनवी अंदाज नाम के इसको कहानी कहें न कहें, कहानी कह भी सकते हैं, इसको फीचर कहें, कोई रेखा चित्र कहें, किसी कोई यात्रा वृतांत कहें, कुछ भी,
किसी भी विधा के की सीमा में यह साहित्य उनकी यह रचना नहीं आती है। ठीक है, फिर भी यह एक कहानी है, एक संवाद है, संदेश है और आने वाले समय के लिए एक ऐसी सोच, ऐसी समझ का मंच भी है जिससे बदलते हुए समय की परिस्थिति की पहचान की जा सकती है। जैसे कहानी में यह है कि मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन, यानी कि जैसे दिल्ली से एनसीआर की ओर, माने इसके जो छोटे छोटे शहर हैं जी, महानगर से यानी कनाट प्लेस से आप आगे जा रहे हैं, यानी केंद्रीय एनसीआर जिसको आज कहा जाता है, ठीक है, तो लखनऊ से गांव की ओर वह ट्रेन जा रही है और उसमें लेखक बैठा हुआ है, सोच रहा है कि खिड़की के पास बैठकर दूर तक दृश्यों को निहारूंगा, कोई नई कहानी, कोई कहानी का प्लाट सोचूंगा। ऐसा सोचते हुए वो जा रहा है, लेकिन अब देखिए एक गतिशील ट्रेन है, रेल की सवारी है जी। गतिशील क्यों कह रहा हूँ कि काल चला जा रहा है, कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो परसों नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, परसों नहीं रहेगा, इस तरह से बदलता हुआ समाज, बदलता हुआ प्रदेश, बदलता हुआ इतिहास चक्र, हमेशा याद रखें इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये कि एक चलती हुई ट्रेन है, एक रेल यात्रा है, हम आज हैं यहाँ, कल यहाँ यहाँ नहीं होंगे, कहीं और होंगे, यहाँ आने के पहले हम कहीं और थे, इसलिए पूरा परिदृश्य बदल रहा है। जो आधुनिक है वह भी आधुनिक आज प्रासंगिक नहीं है, अभी जो है फिर बदल रहा है, उत्तर आधुनिक समय है, उत्तर आधुनिक समय की विशेषताएं आपके सामने खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे एक उसी डब्बे में बैठा हुआ लखनऊ का आदमी है, उसके अंदाज से ऐसा लगता है कि वह सफ़ेद पोश सज्जन कोई नवाब ज़्यादा होगा, नवाब जो लखनऊ में पहले वहाँ के जमींदार होते थे, वहाँ के संपन्न लोग होते थे। उस क्या क्या करता है इस पूरे पाठ में आपको देखेंगे। जैसे उसने एक खीरा निकाला, खीरा उसे काटने लगा और यहाँ तक कि उसने ये कहा कि इस खीरे को आप भी खाइए, किससे, लेखक से, यशपाल से। ठीक है, अजीब बात है कि लेखक एक प्रतिक्रिया करता है, अपदार्थ वस्तु का शौक क्या है, खीरा का खाना एक अपदार्थ है, उसका शौक कौन रखता है, तो वो लखनवी आदमी, नवाब, नवाब है या नहीं है लेकिन उस तरह उसी लखनऊ के अंदाज में रहने वाला आदमी है, क्या खा रहा है, खीरा, उस पर टिप्पणी क्या है, अपदार्थ वस्तु का शौक, खीरा खाना अपदार्थ है। ये आधुनिक काल में था कि उस समय आधुनिक व्यक्ति जो होते थे, अभी भी हैं, जो कोट पैंट टाई हैट कोट में रहते हैं, उनके लिए पिज़्ज़ा बर्गर या और भी जो होटलों में आसपास जो मिलता है उसके वो शौकीन हैं, पैक का भोजन है, उसको खाना वो बड़े उत्तम समझते हैं, खीरा खाना उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आधुनिक दृष्टिकोण से संपन्न कौन है, लेखक। आज बदलते हुए परिवेश में आप अच्छी तरह जानते हैं
कि खीरा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है और अपदार्थ वस्तु नहीं है जी। समय बदल गया, एक समय नवाब उसको खा रहा है और लेखक हंस रहा है, लेकिन आज आप खीरा खाते हुए नहीं हंस सकते जी, बिल्कुल। ये फिर बदलाव आ गया जी। तो अब बात ये हो रही है कि वो नवाब इनको एक निमंत्रण देता है कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए, लेकिन उस अंदाज से, नवाब साहब के अंदाज से यशपाल इत्तेफाक नहीं करते हैं और उसको इनकार कर देते हैं। जिस अदब अर्ज से नवाब खीरे को फरमाता है उनके सामने, यह एक परंपरा है कि सामने वाले को खिलाकर खाना चाहिए। ये हमारे गांव की परंपरा है, एक समाज में परंपरा है कि अकेले नहीं खाना चाहिए। ये चाहे वो गीता हो, चाहे वो वेद हो, या हमारे समाज का चलन हो कि पहले अगले को पूछ लेते हैं, आओ जी रोटी खा लो जी। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, ये गीता का वचन है। अब देखिए कि वो नवाब एक परंपरा में है और सामने वाले को खीरा देना चाहता है, लेकिन ये आधुनिक व्यक्ति है। अब नवाब में जो देसीपन है वो इस लेखक में आधुनिकता के कारण कोई एक व्यंग उत्पन्न कर देता है, वह भाव जैसे कहता है वल्लाह शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है। अब ये बालम खीरा क्या है, जो अब सोचिए कि ये खीरे को बालम कहना, एक बारा बड़ा समझते हैं, ये बड़ा जो दही में बनाया जाता है उस लखनऊ में उसको पिया बारा कहा जाता है। कौन सा बारा? पिया, पिया। अब पिया का मतलब क्या हुआ, प्रीतम प्रिया ऐसा, वैसे उसको बालम खीरा, थोड़ा बड़ा होगा, खूबसूरत होगा कुछ, ऐसा बालम खीरा को ऑफर करता है, देता है, नमक छिड़कता है, छीलता है, काटता है। लेकिन लेखक क्या कहता है कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, केवल शौक फरमाएं, बने आप ही इसको कीजिए, मैदा भी कमज़ोर है, पेट खराब है, कमज़ोर है, नहीं पचेगा। शुक्रिया, इस समय तलब महसूस नहीं हो रही, ये इनकार है। लेकिन आगे का जो दृश्य है वो और विचित्र होता है। नवाब उसको काटता है, उस पर जो मसाले लगाते हैं, लाल मिर्ची, नमक सब छिड़कता है, उसकी सुगंध से लेखक भी प्रभावित हो जाता है कि क्या लजीज है, क्या स्वादिष्ट है, कसम इसको खाते। लेकिन अब चूंकि कह दिया है कि नहीं मैदा कमज़ोर है, पचा नहीं पाएंगे, या तलब महसूस नहीं हो रही, खीरे की फाँक को वो फिर नहीं देता, उठाता है और क्या है कि खीरे उसको सूंघता है, होठों से लगाता है, फाँक को सूंघता है, स्वाद को पलकें मूंद कर अनुभव करता है, लेकिन खीरे के उस फाहे को खाता नहीं है। ये नवाब है। अब क्या प्रतिष्ठा का सवाल है, आत्मसम्मान के कारण अब वो जो उन्होंने ठुकरा दिया तो ये भी नहीं खा रहा है, और ये भी क्या कहता है कि अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने कि एक अदा है जी। और वो जैसे कि सूंघ कर मुँह में सटाकर उसे डब्बे के खिड़की से बाहर फेंक देता है, फिर उठाता है, फिर इस तरह से सभी फेंक देता है खिड़की के बाहर, मुँह पहुँचता है जैसे कि वो पूरी तरह से खा लिया, फिर आराम फरमाने लगता है,
और आंखें कुछ बंद करके ख़ानदानी रईसों के तरीके से बिल्कुल लेट जाता है। अब देखिए, वो न खाया न कुछ उसने किया, लेकिन खाने का नाटक हो गया। इस पर जो टिप्पणी करता है लेखक ये कहता है कि भाई ये तो गजब खाने का तरीका है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या ऑब्स्ट्रैक्ट तरीका, ऑब्स्ट्रैक्ट मैंने अमूर्त, सूक्ष्म, दिखाई न दे और उस क्रिया को आप कर रहे हैं, यह भी उदर तृप्ति का एक तरीका है। दरअसल ये यही बात नवाब भी फरमा रहा है, जैसे कि उसका पूरा पेट भर गया है, ऊंची डकार ले रहा है और डकारते हुए जो कहता है कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, ना मुराद मेदे पर बोझ डालता है। देखिए, जो लेखक कह रहा था पहले कि अभी पेट जरा कमज़ोर है, इसी बात को वह दोहरा रहा है। शकील माने गरिष्ठ, पचने में तकलीफ दे, गरिष्ठ है, उसके बाद मेदे पर बोझ डालता है। अब खीरा खाने से उसका पेट भारी हो जा रहा है, पचना मुश्किल है तो लजीज लेकिन पचता नहीं है। क्या खीरा, आप सब जानते हैं कि खीरा का पचना और तो केवल पानी होता है, वो तो और कुछ नहीं होता है, बहुत पौष्टिक है। लेकिन ये समझ गए लेखक महोदय कि खीरा क्या खाना है यार, ये नाचीज है, इसको क्या खाएं, अपदार्थ वस्तु है। उसने कहा कि ये नामुराद में वही नाचीज हुआ, जिसकी इच्छा नहीं थी वो किस्मत में आ गई, ऐसा वो भी मेदे पर बोझ डाल रहा है। अब खीरे के साथ जो नफासत है, दो तरह के लोग कर रहे हैं, एक जो आधुनिक है वो अपनी तौहीनी समझ रहा है, और एक जो नवाब ज़्यादा है और सामने वाले ने ठुकरा दिया तो अपना ये भी सोच रहा है कि मैं ही क्यों खाऊं, तो ये भी अपनी नफासत दिखाने लगता है। देखिए, इस पूरे कथानक में जी, चूँकि कहानी कहना मुश्किल है, कहानी नहीं कहा जाए या कहानी कहा जाए ये भी बात हो गई, इसको रेखा चित्र कहा जाए, लेख कहा जाए, सबसे अलग हटकर यह एक साहित्य है। इसलिए इस नई विधा को सवालों में लेकर लेखक कहता है कि ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचानना, ये हैं नई कहानी के लेखक। कौन? सामने वाले नवाब। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ये लेखक जो हैं आधुनिक काल के हैं, तो उस समय कहानी की तरह होती थी, एक कोई राजा, एक कोई रानी, एक कोई लैला, एक कोई मजनू, एक पात्र, देशकाल और घटना, चरित्र, ये सब होता था, नायक नायिकाएं उनकी कहानियों में होती थी। लेकिन बाद की जो कहानियाँ आईं, उस जिसको हम नई कहानी कहते हैं, उसकी खास खूबी ये थी कि वह सोच रहा है, कभी अतीत में चला जाता है, ऐसे माँ खिलाती थी, ऐसे हम खेतों में घूमते थे, ऐसे बगीचे में जाते थे, ऐसे हम अतीत जो अभी वर्तमान है नहीं, और फिर कभी भविष्य में चला जाता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हाँ मैं चाँद पर पहुँच गया, मंगल पर बैठ गया, कुर्सी है टूट गई, उठ गई, कुछ भी कल्पना करेगा जी, तो वह भी यथार्थ नहीं है। तो यथार्थ की ज़मीन पर कहानियाँ पहले लिखी जा रही थी, लेकिन बीच में ऑब्स्ट्रैक्ट कहानी या अमूर्त कहानियाँ, मनोमयी कहानियाँ, मन में ही मनोवैज्ञानिक कहानियाँ होती हैं, इस तरह की कहानियाँ लिखी जाने लगी। उस पर यशपाल ने व्यंग भी किया है, तो हर बार जो
और नया कुछ किया जाता है उसको पुराने वाले अच्छा नहीं मानते, अरे नहीं ऐसा तो नहीं था, ये नया कर रहा है, तो वो विवाद में फंस जाता है। इसी तरह से आप लोग कविताओं में तुक तुक वाली कविताएं, छंद जी, बद्ध कविताएं आप देखेंगे। लेकिन एक काल आया जब छंद मुक्त कविताएं सामने आने लगी, तो जो लोग छंदबद्ध कविताएं लिखते थे वो कहने लगे कि ये कौन सी कविता है, ये तो रबर सी कविता है, तानते जा रहा है, रबर छंद है ये, मैंने इसको तानते जाओ इसका कहीं भी तुक नहीं मिलेगा, कोई रबर इसीलिए इस्तेमाल किया गया, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। तो ये जो रबर छंद, इसको यानी और लोगों ने, किसी ने कहा कि ये जादू टूना का मंत्र है क्या, निराला की कविताओं पर व्यंग कर दिया जी जी। लेकिन आगे चलकर वही कविताएं समा बांधने लग गई, यूं बदलते हुए समय और परिवेश के भीतर जो अंतर्द्वंद होता है वो इस पूरी रचना में, पाठ में आपको दिखाई देगा। और इसके इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये खूबी है कि एक चलता हुआ, चलती हुई सवारी है, एक ट्रेन है, एक रेल है, जिंदगी एक रेल है, समय बदल रहा है, और किसी एक मुकाम पर, एक किसी स्टेशन पर ठहर जाना ये गलत होता है। आज इस समय को, इस समय बोध को, काल बोध को इतिहास से लेकर साहित्य की दुनिया तक सबने महसूस करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, किसी भी पुराने समय को आप क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं, वह काल, वह समय, वह घटना आपके कैमरे में कैद हो जाती है जी। और उसके बाद जब चाहें तब आप उसको देख सकते हैं। तो जहाँ पर रिकॉर्डिंग की दुनिया, रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया सामने आ गई, एक नया क्षितिज खुला, ऐसा क्षितिज कि आप मंगल ग्रह पर बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं, तत्काल आपसे बातचीत हो सकती है, आपका मुंह देखा जा सकता है, काल का अतिक्रमण हो गया। काल के अतिक्रमण के साथ ही, यानी एक टाइम मशीन, एक कल्पना एक बनी हुई है, आप चाहे तो कई हजार वर्ष पहले की परिस्थितियों को आज जान सकते हैं कि कैसा खगोल था, कैसे लोग थे, ये सारी कल्पनाएं हो सकती हैं। और डायनोसार जो खो गया उसको फिर से जुरासिक पार्क फिल्म में आप देखेंगे निर्माण किया गया है। तो काल के पीछे जाना, काल के आगे जाना आज के इस साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में संभव हो चुका है। तो इसने आपको एक संदेश दिया है, और वो ये है कि ये मुगल काल के अंत का समय, ये लखनऊ का नबाबी ठाठ, ये अंग्रेज का दौर और अंग्रेजों की ठसक, इस तरह से गुजर जाती है। और ये सब गुजर जाती है तो सब कुछ गुजरने के बाद शेष क्या रहता है, या कहाँ से हम शुरू हुए थे, तो इस प्रकृति से शुरू हुए थे। सब कुछ कहाँ चला जाता है, इसी मिट्टी और इसी हवा में, इसी आकाश में चला जाता है। तब प्रकृति की अहमियत, उसका महत्व बढ़ता जा रहा है जी। हमारे प्रत्येक कर्म का जी नियंत्रक कौन है, प्रकृति है जी, क्योंकि वो परिणामिनी है, यानी कि आप जिस तरह का कर्म कीजिएगा उसका फल दे देगी जी। आप फैक्ट्री बनाएंगे तो यमुना के पानी से झाग निकलेगा, और वह झाग और वह प्रदूषण आपके लिए मौत का कारण होगा। आप इस प्रकृति के भीतर के ऑक्सीजन को पी जाएंगे, आपकी फैक्ट्रियां इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देंगी, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे जी, जी। इसलिए प्रकृति ही वह आधार भूमि है जिसको आप जीवन के लिए निरंतर बनाए रखिए। प्रकृति से उत्पन्न जो संस्कृति है, मैंने प्रकृति के दो रूप हैं जी, एक प्रकृति है, और अगर आप नहीं मानते हैं उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो विकृति उत्पन्न होती है जी। अब क्या है कि प्रकृति के अनुकूल जब आप काम करते हैं
तो वह संस्कृति बनती है जी, बिल्कुल। ये कल्चर से अलग है, संस्कृत के साथ है। ये हमारी परंपरा के भीतर जिस संस्कृत की अवधारणा को माना गया था वह शाश्वत काल में है। ये समय बदलता है, राजनीति बदलती है, राज्य बदलते हैं, और जो यांत्रिक व्यवस्था है वह सारी चीज़ें बदल जाती हैं जी। कौन सा रह जाता है? ये पंचमहाभूत, हवा, पानी, आकाश, वही पंचतत्व जिनकी बात है, पंचतत्व, ये जो प्रकृति है यह शेष रहती है जी। सर हमारा समय समाप्त हो चुका है, तो क्या ये पाठ हम यहाँ पर आज खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसा आपने वर्णन किया ये वाकई में एक काल्पनिक नहीं है, मुझे लग रहा है उन्होंने महसूस किया होगा तभी शायद लिखा होगा, और इसीलिए हमें ये उन्होंने उतना ही तर्कसंगत ये आज भी है जब लिखा था तब उतना होगा। बिल्कुल, चलिए हमारा ये सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं, और प्रमोद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप आए और आपने ये यशपाल जी की लेखनी से हम सबको अवगत कराया, और हमारे लिए एक संदेश भी है क्योंकि अंत में सिर्फ वही पंचतत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो प्रकृति की देन है, उसका हमें ध्यान रखना है। हमारा हिंदी का ये सत्र यहीं समाप्त होता है, अगला सेशन लेकर हम अभी हाजिर होंगे जो कि है मैथमेटिक्स का, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। नमस्कार।